शहर में गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट की समस्या पैर पसारती जा रही है। फिलहाल शहरी क्षेत्र में ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बाहरी क्षेत्र में बसी कॉलोनियों और बस्तियों में जल संकट का असर दिखने लगा है। पानी जुटाने के लिए नगर निगम ने निजी टैंकरों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। ऐसे इलाकों में भी परेशानी आने लगी है जहां नर्मदा जल वितरण लाइन का नेटवर्क कम है या नहीं है। ऐसे ज्यादातर जगहों पर ट्यूबवेल ही सहारा है और उनमें भी पानी की आवक कम होने लगी है। फलस्वरूप पूरा दारोमदार टैंकरों पर आ गया है। निगम अफसरों ने बताया कि साईं बाबा नगर, महालक्ष्मी नगर, निपानिया के अलावा कुशवाहा नगर, न्यू रामनगर, रामनगर और जगदीश नगर जैसे क्षेत्रों में जल संकट का असर दिखने लगा है। बाणगंगा क्षेत्र में छोटी कुम्हार खाड़ी, महेश यादव नगर और गोविंद कॉलोनी क्षेत्र में भी पाइपलाइन नहीं होने से जल संकट गहरा रहा है। इसी तरह जय हिंद नगर टंकी टूटने के बाद उससे जुड़े 40% हिस्सों में सीधे जल प्रदाय से पानी दिया जा रहा है, जबकि बाकी 60% क्षेत्र के लोग फिलहाल ट्यूबवेल से पानी जुटा रहे हैं। अफसरों का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद जब गर्मी तेज होगी और बोरिंग में पानी की आवक कम होगी तो जल संकट बढ़ेगा। यही वजह है कि निगम को खुद के 84 टैंकरों के अलावा 30 छोटे टैंकर किराए पर लेना पड़े हैं और 100 छोटे टैंकर किराए पर लेने की तैयारी है। हमारे जो नगर निगम के 82 टैंकर हैं वो सभी पार्षदों के पास हैं हमारे, और वो रेगुलर अभी साल भर तक पानी पाटते थे। अभी गर्मी को देखते हुए अभी हमने 100 टैंकर अतिरिक्त लगाए हैं जो प्राइवेट हैंगे, और प्राइवेट के टैंकर लगाकर हम जिन आउटर एरिया में जहाँ पर कि अभी हमें हमारी नर्मदा की लाइनें लेनी है, जैसे 77 नंबर वार्ड हैगा, 75 नंबर वार्ड हैगा, 76 हैगा, फिर 79 वार्ड हैगा, 16 नंबर वार्ड हैगा, 35 नंबर हैगा, 37 नंबर हैगा, जिन वार्डों में पानी की जहाँ किल्लतें होंगी वहाँ पर हमने टैंकर देने अभी चालू किए हैंगे। शहर के अन्य इलाकों में भी जहाँ बस्तियों में पानी पहुंच पाता है वहाँ पर भी हमने प्राइवेट टैंकर देना चालू कर दिए हैं। अभी तक की जो हमारी संख्या है 100 की है और आने वाले दिनों में ये संख्या निश्चित है कि बढ़ेगी और शहरवासियों को पानी का संकट नहीं होने देंगे, ये हमारी परिषद का निर्णय है। वहीं वर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में तो अभी जल संकट ज्यादा नहीं है, किसी तकनीकी वजह से जल प्रदाय नहीं होने को छोड़कर बाकी हिस्सों में नियमित पानी दिया जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टैंकरों की मांग बढ़ेगी निगम जरूरत के आधार पर व्यवस्था करेगा।